हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने रॉयल इनफील्ड की शोरूम से बाइक के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्राईपॉड जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। सॉरी, ये देखिए, डिजिटेक DTR 550 LW। गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि बहुत ही शानदार दिखती है। और इसकी लेंथ आप 5.5 फीट तक बढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ इसे कैमरे पे और स्मार्टफोन पे दोनों पे यूज कर सकते हो। तो अगर आप ट्राईपॉड लेने के मूड में हो तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। तो इस ट्राईपॉड का आप बॉक्स पे प्रिंट रेट देखोगे तो 2500 होगा, जबकि आपको ये अमेजोन पे आपको 1400 में पड़ रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी चीज़ें जो मैंने रॉयल इनफील्ड शोरूम से परचेज की है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक की केस जो कि मैंने 500 में ख़रीदा है, और इसके साथ एक बफ भी फ्री मिला है मुझे जो कि मैंने पहन लिया। मैंने कहा पहन के ही दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जूते जो मैंने 4000 में ख़रीदे हैं, और ये जूते ख़रीदने का मेरा बस एक ही कारण था कि इन्हें मैं कैजुअली भी यूज़ कर सकता हूँ और राइड पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ। टेंटेनन, ये ग्लव्स भाई कितने लाइट वेट और कितने सॉलिड है यार। मैंने पहन के ही दिखा देता हूँ आपको। कुछ चीज ऐसी होती है ना जो एक नज़र में पसंद आ जाती है, बस ये ग्लव्स उनमें से ही एक था। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा लाइट वेट, तो आप इसे यूज करके देखिए एक बार। यार ये ग्लव्स आपको थोड़े कॉस्टली तो लगेंगे, लेकिन यार आप एक बार छू के देखिए ना तो आपको पता चलेगा कि यार क्यों कॉस्टली है। ये मुझे पड़े हैं 3000 के, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है नहीं लेने से पहले, लेकिन मुझे पसंद इतने ज़्यादा आ गए थे कि यार मैंने फिर 3000 दे दिए इनके, अब फिर ले लिए। तो अगली चीज़ जो मैंने खरीदी है वो है ये बेल्ट। एक्चुअली मुझे बेल्ट की नीड भी थी, तो मैंने ये देखी वहाँ पे तो मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। आप इस पर देख सकते हो ये रॉयल इनफील्ड प्रिंट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। यार मुझे ये बेल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी तो मैंने ख़रीद ली थी। इसका प्रिंट रेट तो वैसे 1800 है, लेकिन ये 40% डिस्काउंट के बाद मुझे 1200 की पड़ी है। तो चलिए अगली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पर्स। पर्स वैसे मुझे ख़रीदना नहीं था, बट सही प्राइस में मिल गया तो मैंने ले लिया। इसका प्रिंट रेट है 1500 और ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1200 का पड़ा है। जेन्युइन लेदर, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। आप देखिए रॉयल इनफील्ड, यार रॉयल इनफील्ड तो देखने में ही मज़ा आ जाता है। तो यार बस यही चीज़ें खरीदी थी मैंने। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये बैग देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टफ का बना हुआ ये बैग, जो कि मुझे पड़ा है 2000 का। तो इस बैग को आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो और इस तरह से भी कैरी कर सकते हो, आपका जैसा मन करे आप वैसे कैरी कीजिए। तो इसे भी रख देते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो है ये टी शर्ट, जो कि आप में से बहुत लोगों ने देख भी ली होगी, क्योंकि ये मैंने पहन के इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर ली है और ब्लॉग भी शूट करा है इसे पहन के पहले। ये मुझे पड़ी है 1000 रुपीज़ की। तो यार बस ये चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी थी। तो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।